नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। राहुल गांधी की शुभकामनाओं का मोदी ने दिया ये जवाब। 2019 के लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने मोदी लहर पर सवार होकर चौंकाने वाला प्रदर्शन करते हुए पार्टी और देश के इतिहास में एक नई इबारत लिख दी है। अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा छूने वाली भाजपा ने देश में एक बार फिर मोदी सरकार की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। भाजपा ने नेतृत्व वाले एनडीए को 300 से भी ज्यादा सीट मिली है और 17 राज्यों में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। कांग्रेस के 9 पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। पीएम मोदी की इस प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर उन्हें जीत की बधाई दी। राहुल के ट्विटर पर अब प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया है। शुभकामनाओं वाले ट्विटर पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने लिखा, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद राहुल। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने अपने ट्विटर में कहा, मैं देश की जनता के फैसले को स्वीकार करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए और जीतने वाले सांसदों को बधाई। गौरतलब है कि राहुल गांधी खुद भी यूपी की अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव हार गए हैं। अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस परिवार का गढ़ मानी जाती रही। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को शिकस्त देते हुए 54,731 वोटों से जीत हासिल की। स्मृति ईरानी को 4,67,598 और राहुल को 4,12,867 वोट मिले।